नए नए इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए और नया नया चीज़ें सीखने के लिए बहुत ही आसान तरीके से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल घीलू को और नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक मैथमेटिक्स का Lecture-4 में। तो इस लेक्चर में हम एकाधिकेना पूर्वेना का Type 2 एप्लीकेशन, यानी कि जो हम देख रहे थे कि फ्रैक्शंस जो कि 9 से एंड होता है, वल्गर फ्रैक्शंस जो कि जिसका डिनोमिनेटर सपोज a बाई बी 9 से एंड होता है, इस टाइप के फ्रैक्शंस का हम अगर डेसिमल एक्सप्रेशन निकालना चाहे एक लाइन में, उसी के लिए हम एकाधिकेना पूर्वेना यूज किया करते थे। पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि कैसे ये वल्गर फ्रैक्शंस को हम डेसिमल में बदलते हैं डिविजन रूल यूज करके, और इस लेक्चर में मैं वही सेम टू सेम चीज एक और टाइप जो है मल्टीप्लीकेशन रूल, उससे ये सेम चीज करेंगे। क्या कि वल्गर फ्रैक्शंस जो जिसका डिनोमिनेटर 9 से एंड होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन हम लिखेंगे। तो अच्छा, मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करेंगे, काफी हद तक सिमिलर है। कैसे है, चलिए हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल लेके। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम सपोज ले लेते हैं 6/39। तो यहाँ पे जस्ट जो मल्टीप्लीकेशन रूल है, ये डिविजन रूल में जो हमने सीखा था, इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। कैसे, वहां पे हमने कैसे चालू किया था, शुरू से चालू किया था और डिवाइड करते हुए चालू किया था। यहाँ पे हम आखिरी से चालू करेंगे, यानी कि जो डेसिमल जो एक्सपेंशन होगा वो लास्ट से हम चालू करेंगे। कैसे करेंगे, सेम रूल है, जस्ट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा। कैसे, ध्यान से आप देखिए, तब आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे 39 है, एकाधिकेना पूर्वेना मतलब वन मोर देन द प्रीवियस, यानी कि 3 से एक ज्यादा है 4, हमारा बेस नंबर होगा 4। अब हम मल्टीप्लाई जो भी करेंगे 4 से करेंगे। तो पहली बात तो हम हमेशा जो न्यूमरेटर में जो नंबर है, संख्या है, उसको हम आखिरी में लिखेंगे। यह हमेशा ऐसे ही होगा, आखिरी में हम न्यूमरेटर को लिखेंगे। ये अगर कुछ नंबर रहे सपोज 16 या 26 रहे, तो हम 6 को रखेंगे और कैरी में रखेंगे कुछ जो नंबर है। तो इसी का रहते हुए हम बार बार 4 से जो हमारा बेस नंबर हुआ एकाधिकेना पूर्वेना अप्लाई करने के बाद, उससे हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले तो 6/4 = 24, यानी कि 4 बैठा 2 कैरी रहा। फिर से हम करेंगे 4/4 = 16, तो 16 + 2 कितना होगा 18, 18 का 8 कैरी रहेगा अपना 1। अब सिमिलरली क्या होगा, नंबर आया हमारे पास 8, तो 8 को हम फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको याद रखना है, हमेशा जो नंबर आएगा हर बार, उसको हमेशा ये बेस नंबर जो है, जो हम एकाधिकेना पूर्वेना यूज करके लाते हैं, इससे मल्टीप्लाई करना है बार बार, और साथ ही में कैरी भी ऐड करना है। तो 4 8 = 32, कैरी था 1, तो क्या हो गया 33, अब कैरी रहा 3। फिर से 4 3 = 12 + 3 = 15, 5 कैरी रहा कितना 1। फिर से 4 5 = 20 20 + 1 21, कैरी रहा 2। तो हमारे पास क्या आता है फिर 4 × 1 4 + 2 6, यानी कि फिर से वो शुरू हो जाता है जहां पे ये हमने रखा था। तो फिर से ये 6 होगा, फिर कुछ भी कैरी नहीं रहेगा, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यही जो चीज है ये बार बार रिपीट होता रहेगा। यानी कि आपके पास जो आएगा वो है 6/39 0.153846 का बार। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मल्टीप्लीकेशन रूल ज्यादा फायदेमंद है या डिविजन रूल जैसे ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करने में सुविधा हो तो आप मल्टीप्लीकेशन रूल लगाइए, और अगर आपको डिविजन करने में सुविधा हो तो आप डिविजन रूल लगा सकते हैं। तो आंसर जो होगा वो सिंपली ये होगा। अब इसका बार होगा क्यों, क्योंकि जो 6/39 है ये एक फ्रैक्शन है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये रेकरिंग होगा, यानी कि इनफाइनाइट तक तो होगा। अगर रैशनल ऐसा है, अगर फ्रैक्शन है, तो इनफाइनाइट तक तो होगा, लेकिन रेकरिंग होगा, बार बार में होगा, तभी जाके ये फ्रैक्शन बनता है, नहीं तो ये इरेशनल नंबर हो जाता। चलिए ऐसे ही करके हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, तो क्या ये मैच करता है अपना आंसर से। चलिए कैलकुलेटर से टैली कर लेते हैं। मैंने कैलकुलेशन करके रखा ऑलरेडी, 6/39 देखिए 0.153846 करते करते चलता रहता है। तब हम और एक एग्जांपल से देख लेते हैं ताकि आपको और भी क्लैरिटी मिल जाए। तो सपोज हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 15/39, चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो 15/39 फिर से वैसे ही होगा 0 पॉइंट। अब एकाधिकेना पूर्वेना से ये जो 9 है, 9 के जो आगे जो डिजिट है वो है 3, 3 से एक ज्यादा है 4, ये हमारा बेस नंबर रहेगा जिससे हम बार बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली बात तो हम जो न्यूमरेटर है इसको, इसका जो यूनिट डिजिट है ये हम रखेंगे 5।
तो 5 रखने पे कैरी हमारा हुआ 1 क्योंकि नंबर था 15। अब होगा 4 5 0, 4 से लेके गुण करना है। हमेशा जो भी नंबर हमारे पास आएगा उसको मल्टीप्लाई करके जो रिमाइंडर है उसे प्लस कर देना है। तो 4 5 0 20 प्लस 1 21 कैरी हो रहा है 2। फिर से आएगा 1, तो 4 1 0 4, 4 1 0 4 प्लस 2 6 कैरी हो रहा है 0। अब 4 6 0 24 प्लस 0 यानी कि 24 कैरी हो रहा है 2। अब 4 4 0 16, 16 प्लस 2 18 कैरी हो रहा है 1। 4 8 0 32 प्लस 1 33 कैरी हो रहा है 3। फिर 4 3 0 12 प्लस 3 15 यानी कि फिर से ये साइकिल चालू हो जाता है। तो 15/39 का मतलब क्या है? 15/39 क्या हो रहा है हमारे पास? 0.384615 का बार, क्योंकि यही रिपीट होता जाएगा। जब भी ये रिपीट होता जाएगा तभी हम क्या करेंगे, इसको बार से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये एक रेकरिंग डेसिमल है। देख लेते हैं हमारा आंसर कुछ ऐसा ही आता है या नहीं, हम कैलकुलेटर से टैली कर लेते हैं। तो मैंने कैलकुलेशन करके रखा था, देखिए 15/39 कुछ ऐसा ही आता है और ये मल्टीप्लीकेशन रूल से आता है। तो आपको अगर डिविजन रूल से ज्यादा इजी मल्टीप्लीकेशन रूल लगे या फिर आपको लगे कि ज्यादा फास्ट हो रहा है तो आप ये बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। अब मैं आपके लिए कुछ करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ, आप ये वीडियो पॉज करके कर लीजिए और मेरे को कमेंट्स में आंसर जरूर बताइएगा। तो ये आपके पास 4 सवाल, तो ये एक्चुअली 8 सवाल के बराबर है क्योंकि आपको यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन रूल है और जो डिविजन रूल है दोनों ही आपको यूज करने और टैली करना है कि दोनों का रिजल्ट बराबर आ रहा है या नहीं, या फिर कौन सा आपको ज़्यादा इजी लग रहा है। जो ज़्यादा इजी लग रहा है आप कमेंट करके बताइएगा। तो इतना ही था एकाधिकेना पूर्वेना। तो हमने देखा पूरा ये 3 लेक्चर्स में, Lecture-2, Lecture-3 और Lecture-4 में, कि एकाधिकेना पूर्वेना क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और ये किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं काफ़ी टाइप के प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने और बहुत रैपिड कैलकुलेशन में हेल्प करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं Lecture-5 में जहाँ पे मैं दूसरा सूत्र डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसका नाम है निखिलम नवतश करमम दशता, इसका मतलब है ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक तरीके का कैलकुलेशन सीखेंगे जो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ट्यून्ड रखने के लिए देखते रहिए घिलू। अलविदा।